नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टेडी आई क्यूकेडी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान के सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। सभी के लिए जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर बड़ी खुशखबरी दे दी है। सभी को कोरोना के कारण जो है प्रभावित हो गए हैं। आप सभी को बताएं, सभी बच्चे जो है कोरोना के कारण प्रभावित है, उनके माता पिता भी प्रभावित है। इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब 500 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक स्टूडेंटों को मिलेगा पर मंथ। कितने महीने तक? मतलब महीन पर मंथ मिलेगा। कितने महीनों तक? 10 महीनों तक मिलेगा। इसकी सारी सूचना मैं जो है इस वीडियो में बताऊंगा। और वेबसाइट कौन सी है जिससे आपको ये फॉर्म भरना है, या SSO ID के माध्यम से भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये योजना बहुत अच्छी योजना है, आप सभी लोग इसको फॉर्म को ज़रूर भरें। जो भी किराया से रहते हैं कमरे से, उन सभी को यहाँ पर ये मिलेगा पूरा यहाँ पर मामला। तो चलिए पूरी जानकारी जानते हैं क्या है आज की अपडेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये PDF जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एकेडमी में मिल जाएगी। तो योजना देखिएगा, झुंझुनू का जो अखबार है भास्कर का, उसी में ये खबर आई है। खबर ये योजना में SC ST OBC MBC और EWS के छात्र छात्राओं ले सकेंगे लाभ। तो इसका जो है सभी जातियों के जो विद्यार्थी है वो यहाँ पर लाभ ले सकेंगे। छात्रों को मिलेगा 500 से 2000 रुपये तक मासिक किराया। तो यहाँ पर 500 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक का महीने का किराया मिलेगा बच्चों को। चलिए पूरी जानकारी जानते हैं इसके बारे में क्या है। ऐसे ही मिल जाएगा क्या आपको इसका लाभ? ऐसे नहीं मिलेगा। पहले तो मैं बता देता हूँ कि सच्चाई क्या खबर है। यहाँ पर ऐसे करें आवेदन, पहले तो आवेदन कैसे करना है। योजना में छात्र ई मित्र SSO ID के जरिए जनाधार पोर्टल पर जनाधार कार्ड के माध्यम से SSO.rajasthan.gov.in पर जाकर के आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चाहे आप फिर जो है वेबसाइट भी है HTTP यहाँ पर जो है sjms.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर सकेंगे। विस्तृत दिशा निर्देश विभाग की वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। तो आप डायरेक्ट जो है, यदि आपको निर्देश वगैरह पढ़ना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। कैसे फॉर्म भरना है इसकी भी यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करना, मैं वो भी बताऊँगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। अब चलिए इसके बारे में जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो बताता हूँ। अपडेट है, कोरोना काल के लंबे समय के बाद इस शैक्षणिक सत्र में कॉलेज स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर। तो कॉलेज वाले स्टूडेंटों के लिए यह खबर, गांव से दूर शहर में किराए के कमरों में रह रहे कॉलेज की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को अब सरकार की ओर से 2000 रुपये तक मासिक किराया भत्ता मिलेगा, ताकि आर्थिक परेशानियों के चलते उनकी पढ़ाई बाधित न हो। कॉलेज स्टूडेंट के लिए राज्य सरकार ने अम्बेडकर DBT वाउचर योजना शुरू कर दी है। इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मार्फत है क्रियान्वित किया गया है। किसके? ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से किया गया है, क्रियान्वित किया गया है। विभाग ने योजना से लाभान्वित करने के लिए पात्र विद्यार्थियों का चिन्हितीकरण शुरू कर दिया है। SC ST OBC MBC EWS वर्ग के कॉलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधा के लिए अम्बेडकर DBT वाउचर योजना के तहत 5000 छात्रों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजना का लाभ दिया जाएगा। इन वर्गों के छात्र छात्राएं राजकीय महाविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोर में नियमित पढ़ रहे हो, यानी कि स्नातक या स्नातकोर में आप नियमित पढ़ रहे हो, साथ में वो पात्र होंगे जो SC ST के 1500 SC ST के विद्यार्थी जो है उनको 1500 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 750 अति पिछड़ा वर्ग के 750 और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी उनको 500 रुपये छात्र लाभान्वित होंगे। तो पैसे इस अनुसार मिलेंगे, आपने देख लिया है इनका मामला। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक मोहम्मद अशफाक खान ने बताया कि 5000 छात्रों को 2000 रुपये प्रति माह, अधिकतम 10 माह के लिए राशि प्रदान की जाएगी। तो ये कितने दिनों के लिए मिलेंगे? 2000 रुपये 5000 छात्रों को मिलेगा। ये कितने को मिलेगा? 10 माह तक के लिए मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण 2021 के अनुरूप कॉलेज छात्राओं के लिए किराया भत्ता देने अम्बेडकर DBT वाउचर योजना को लॉन्च कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है इसे लॉन्च कर दिया गया है, 5000 लड़कों को मिलेगा और 5000 लड़कियों को इसका फायदा मिलेगा। आप भी फटाफट से आवेदन करें। क्या होने चाहिए इसके लिए? इसके लिए योजना के लिए पात्र वो विद्यार्थी होंगे जो देखिएगा कौन कौन होंगे, अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होने के अलावा, यानी कि आप राजस्थान के निवासी तो हैं ही सही, उसके अलावा आप SC ST के MBC OBC EWS वर्ग से हो, उसके अभिभावक की वार्षिक आय SC ST MBC के लिए 2.50 लाख, ठीक है ना, यानी कि 2.5 लाख रुपये,
ओबीसी के लिए 1.5 लाख रुपये, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 लाख रुपये से अधिक न हो। इसके अलावा जिला स्तर पर राजकीय महाविद्यालय के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत तथा इसी क्षेत्र का निवासी हो, यानी कि जिस कॉलेज है वहाँ का ही निवासी हो। योजना का लाभ अधिकतम 5 वर्ष के लिए देय होगा, यानी कि इस योजना का जो लाभ है वो 5 वर्षों तक है। इसके लिए सरकारी छात्रावास के छात्र योजना से लाभान्वित नहीं होंगे, यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, अम्बेडकर की जो हॉस्टलें चलती है समाज कल्याण विभाग की, उनमें यदि वो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। और इसके फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 15 सितंबर तक कर सकेंगे, तो आवेदन 15 सितंबर तक कर सकेंगे। ये एक मस्त योजना है। यहाँ पर एक आपके लिए जो है DBT वाउचर जो है योजना लागू की गई है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की तरफ से, जो कि ये जानकारी आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। यदि आपको फॉर्म भरना है और आप जानना चाहते हो कि इसका फॉर्म कैसे भरें, तो आप नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, आपका क्या फीडबैक है उसको देखते हुए। धन्यवाद।